ओ भाई दोनों की बोल हमें कल कमेंट मिला है बाजे वाले ओ भाई क्या बोलता है यार वो है हम सब इनको जानते हैं इसलिए इंट्रोडक्शन हमारी होनी चाहिए यंगिस्तान बाय आरजे राहुल बिग थैंक्स टू आदित्य भानु पर जोर से तालियां के कमेंट करके जरूर बताना ये कलर बाजों वाला जो अच्छा कलर बाजों वाले यार बाजों वाला कलर कमेंट करना ठीक है ये बंदे कभी दिखावा नहीं किया जिंदगी में भाई साहब और आज के ब्लॉग की शुरुआत तो मैं घर से नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ इस मोटी ने मेरे को लेट कर दिया था और मैं भूल गया कि तुमने मुझे लेट किया और मैं भूल गया कि भाई घर से मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है तो अभी हम जा रहे हैं मैडम को पहले छोड़ने हैं रेडियो स्टेशन और फिर उसके बाद हमने जाना है सॉन्ग रिलीज पे एट गोल्फ कोर्स सिद्रा तो मैडम को ड्रॉप करने के बाद और अभी हम पहुंचे हैं सन्नी के सैलून में तो वी हैव सम स्पेशल गिफ्ट्स आल्सो और सन्नी भाई यस यस ये जो इतने सारे स्पेशल गिफ्ट दिख रहे हैं तो ये किसकी तरफ से आ रहे हैं ये देखिए एक डेजी प्रो एक हेयर का प्रोडक्ट है हाँ। जो जम्मू में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है ओके और वो मेरे सैलून से ही स्टार्टिंग हुआ है इनका अच्छा ये है गोल्फ कोर्स सिद्रा और यहाँ पर कर रहे हैं हम सॉन्ग रिलीज यहाँ पर आकर ना फील्स लाइक भाई आप पता नहीं कौन से दुनिया में पहुंच गए हो बिल्कुल देखो आगे पीछे एनवायरनमेंट ग्रीनरी ग्रीनरी और शांति कितनी ज्यादा है यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे नॉर्थ में ना शायद इतना बड़ा गोल्फ कोर्स का एरिया किसी और का होगा नहीं और तो मैंने ज्यादा गोल्फ कोर्स एरिया देखे नहीं है बट मुझे लगता नहीं श्रीनगर का अच्छा है बट इतना बड़ा या नहीं है वो मुझे आइडिया नहीं उसका कोई मैं हो चुका हूँ लेट और मिगी जूही गफे दिया दी मी जूही गफे दिया दा ते नगेश भैयान ते वो भी ब्यूटी एंड फैंटेसी वाले वो भी आके भैया कहाँ पर हो और गुप्ता साहब क्या हाल चाल बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आने के लिए आपके लिए जान हाजिर जान नहीं चाहती लेकिन बाबा हाय हाउ आर यू क्या हाल है ठीक है मैडम टू इयर्स एंग्री एज यूजुअल चलो यार यहाँ से फोटो बड़ी सही आ रही है आपकी भाई यहाँ से वीडियो बड़ी सही आ रही है आपकी जबरदस्त क्या हाल चाल सर ठीक हो तुस केड़े व्लॉग बनाते तुसें व्लॉगिंग स्टार्ट कीती दी चला दा के तुसें मी कैमरा मैं तुसें कैमरा वीडियो दे देओ बाद च मी जेदी ज्यादा बेइज्जती होग ना ओदा कंटेंट ठीक होना तो मी दे देओ वीडियो नहीं माने ये स्टोर करिए रखने ते एक 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 गुतरन चुकी कुड़ी चुकली कुड़ी है हैं सन्नी साडे क्या भाई क्या या सारे पीछे भी देखे चक्कर ये देखो वादियाँ देखो क्या जबरदस्त वादियाँ वाह तो यार ये चोर लोग जितने भी है ना टीम में से कोई नहीं अभी तक पहुंचा हुआ मैं नीचे आके देखता हूँ हैप्पी न्यू ईयर राहुल भाई कहाँ थे तुम लोग सारे पहले मुझे बताओ कहाँ थे तुम लोग मैं वो नहीं जो आपने बोला मैं वो नहीं मैंने सुन लिया मैं पिछड़ गया वेलकम जी वेलकम पूछो क्या चल गुड़ी सेम टू यू आ जाओ डायरेक्टर साहब इधर पहुंचे नहीं वैसे आ जाओ लड़के लड़कियों कौन सा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा ये डोला शोला है वो यहाँ से फोटो बड़ी सही आ रही है सो कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है नया नया प्रोजेक्ट तो आज रिलीज हो रहा है उसके बाद मेरे बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स रिलीज बॉलीवुड पापा अच्छा शाबाश और सर आपका कौन सा गाना आ रहा है अभी तो आज फिलहाल हैप्पी न्यू ईयर और डायरेक्टर साहब अभी पहुंचे नहीं दो गालियां देना चाहोगे आदित्य भानु को नहीं तो विक्रम को दे दो फिर उनका कसूर कुछ नहीं है ये है कि ये तो आपको पता ही है खासकर जम्मू इंडस्ट्री का 4 बजे मतलब 5 बजे 6 बजे ठीक है आप बताओ क्या मैसेज दोगे भानु को दो गालियां नहीं गाली नहीं देनी है प्यार बनाए रखना है भाई आपस में ना बड़ी इज्जत है भानु भाई मैंने बहुत कोशिश की भड़काने की और तुस दे भानु की गालियां दो ये नहीं दिया टीम पूरी टीम जड़ी है भानु कोई गालियां दिया डायरेक्टर साहब हो जाती गलती लेट आप बताओ आप दे दो गालियां इं क्या होती पापा टाइम की कदर होनी चाहिए और यहाँ तो भानु ही गालियां नहीं देनी विक्रम नहीं देो उसी भी नहीं देनी तो माइला ही देो कुछ तो दो त्रीए बंदे थार दे दो कोई चक्कर नहीं नहीं और कुछ नहीं तो शिवम भी देो गालियां है ना बड़ा गंदा बंदा यार वैसे तो वीडियो में काले आ रहे हो बट ठीक है चलो हम काले हैं तो क्या हुआ
लाइट पीछे बैकलाइट है ना भाई, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं जब बंदा लेट होता है ना। अब मुझे समझ आ रहा है कि जब मैं लेट आता था मुझे कितनी ज़्यादा गालियाँ पड़ती थी। वो देखो परोने आए, ये क्या बदतमीजी है भाई। मैं ये वो बंदा है जिसको सबसे ज्यादा गालियाँ नहीं कम पड़ रही हैं, इसकी वजह से इसको पड़ रही हैं वो। ओ पापा ठीक ठाक, चलो चलो पहले चेक कर लेते हैं। आओ जी, आओ मैडम, आओ जी मैडम, हैप्पी न्यू ईयर, हाउ आर यू? हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल चाल पता नहीं पर आओ सर, हैप्पी न्यू ईयर। और बाहर एक इमेज अच्छी जानी चाहिए कि हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और यहाँ की इंडस्ट्री को ग्रो करवा रहे हैं, जो बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रही किसी से। तो उसमें मैंने जितने हमारे जम्मू के जितने रेनाउंड आर्टिस्ट थे या जितने पर्सनैलिटीज थी उनको सबको फ़ोन किया। ये सोनी टीवी पर फॉर्म करके आ चुके हैं, आप बखूबी जानते हैं। इनका डेब्यू सॉन्ग आने वाला था लेकिन अब ये डेब्यू हो गया इनके साथ। उसके बाद ये नितिन गुप्ता जी, श्वेता गुप्ता जी, इनको भी आप बखूबी जानते हैं, इनकी कॉमेडी वीडियोज़ आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। ये भी बखूबी इनको जानते हैं सभी, ये नेशनल प्लेटफॉर्म तक होके आए हैं, अपना लोगो बनवा कर आए हैं सिंगिंग में। हम सब इनको जानते हैं इसलिए इंट्रोडक्शन हमारी होनी चाहिए। और जितना ये शूट हुआ है, पोस्ट प्रोडक्शन जितनी भी एडिट जितना हुआ है, ये सब इस छोटे से लड़के ने किया है। पोस्टर बॉय मिलिंग, इसने भी पूरा बखूबी साथ दिया इनका, कैमरे पे पूरे शॉट्स वगैरह सब कुछ निकाले। ये भी हमारे वेडिंग सिनेमाटोग्राफर हैं पीटर जी, पीआरटी न्यूज़ से इन्होंने पूरा कैप्चर किया है। और ये भी अब एक्टिंग में आ चुकी हैं, फोर्थ सॉन्ग इनका ये आने वाला है। ये कोई गुप्ता बहुत छोटी हैं अभी लेकिन बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जा चुकी हैं, कर्नाटका में इनको अवार्ड मिल चुका है, इनके अभी साउथ में एक मूवी भी आने वाली है, तो इन्होंने भी अपना साथ पूरा हमें दिया। ईशान लोन सोत्रा, ये भी बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पर परफॉर्म करके आ चुके हैं और हमारे जम्मू के हैं। और शक्ति कपूर के साथ इनकी फिल्म आ रही है, कोई वो नहीं है कि मैं इनको तारीफ कर पाऊँ, ये भी रेनाउंड पर्सनालिटी है और पूरा एक हाथ पीछे होता है कि हाँ मैं हूँ, आप चलो कोई बात नहीं। सो एट द एंड एक बहुत खास बंदा जिसके बारे में सारे जानते हैं, देखे वो है आगे राहुल। हाँ हाँ, ये नहीं होते तो शायद ये गाना नहीं बनता। बहुत बड़ी सपोर्ट है इनकी हमारे साथ, ये सपोर्ट हमेशा रहेगी। सो यस, अ बिग थैंक्स टू आदित्य भानु पर जोर से ताली सारे कलाकारों को एक साथ जोड़ने के लिए। जूही इज द बॉस, कहीं देखो बैठे जोड़ने करना है आज, देखो करोते थे। नहीं मैं तो बहुत बहुत थैंक्स, आपने एक कॉल पे हमें सारा अरेंजमेंट करवा दिया, यही चीज अच्छी लगती है। आपको पता कल जूही ने कॉल की और यही एक बॉन्ड होता है जो कि बहुत ज्यादा आपको इंस्पायर करता है कि आप अच्छा काम करते रहो। एक कॉल जूही की तरफ से जाती है मानव जी को एंड उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा, वरना कल कॉल जाती है आज के दिन एवरीबॉडी नोज के ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो एक बार थैंक्स मिस्टर मानव जी के लिए। जो भी चीज़ अच्छी होती है ना वो शेयर होती है ऑटोमेटिकली। इस गाने को सुन के ना ये वो जो होता है ना गाना वही हिट होता है जो एकदम जुबान पे चढ़ता है। ये मुझे लगता है कि जब हम निकलेंगे तो ये गाना गुनगुनाते हुए निकलेंगे, इसमें इतना दम है गाने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राइट मैम, क्या हाल है आपके? इनकी इनकी तारीफ में दो शब्द कहिए। हाँ सोच रहा पड़ रहा है, वर्ड नहीं कोई, इतनी तारीफ। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट या तो लोड़ी पे, हाँ होली पे। अच्छा लोड़ी वाला काम हो जाएगा, होली पे करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। होली पे तो आपको पता ना फिर ये चलती झुकती बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। भैया आप कहाँ छुपे हुए थे? बस इधर ही। किसने बुला लिया था? किसने बुला लिया था? और क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ? एनीथिंग? बहुत जल्दी बैक करेंगे। चलो जी, ग्रेट, गॉड ब्लेस यू।
अभी शुरुआत की और गाना सबको पसंद आया, सबको पसंद आया जिन्होंने देखा है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरा ये मानना है कि आपका आपका काम ही आपकी पहचान है, तो मतलब फॉलोवर ज्यादा हो और कम हो तो फिर भी हम काम तो कर ही रहे हैं। मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे हैं, बॉलीवुड के देखे हैं कि जो काम कर रहे हैं लेकिन उनका इंस्टा आईडी नहीं है, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, उनका नाम भी है। मतलब मेरी गल हो रही है राहुल गांधी हुंदे बाद दूए बंदे ऐसे भाई साहब। तो 80 लाख रुपए की गाड़ी रखी हुई है, तो ऐसे ही चलता है जिंदगी में, अच्छे अच्छे काम करो, तरक्की करो तो आपको ऐसी गाड़ियाँ मिलती हैं, अदरवाइज भैया मुश्किल हो जाता है। मेहनत करना बहुत जरूरी है। 2023 का स्लोगन रखो कि मेहनत करनी है और ऐसी एक महंगी गाड़ी BMW टाइप लेनी है। पार्किंग उधर लगा देना, ये पार्किंग में गाड़ी। सही गल, जिन्नी मर्जी बेइज्जती करना उन्ना तो ही वायरल, कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं, ओही वायरल होंदे आ गल। चलो पापा चैनल, पापा ठंड बड़ी है, कम करो। ए बंदा नहीं ज्यादा कसम नाल ओले दा। चलो बैठो मैं तक मारना। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल का नाम बताना मेरे को। आरजे राहुल, यंगिस्तान बाय आरजे राहुल। तो अभी हम यहां से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सनी के सैलून में, बिकॉज़ वहां पर क्या होने वाला है, पार्टी। पार्टी राइट राइट राइट। कौन दे रहा पार्टी पापा? सनी दे देंगे ना। सनी वो किसी देगा? हम लेंगे पार्टी आज उनसे। अच्छा, उन्होंने आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया। अच्छा अच्छा, और न्यू ईयर है। 14 प्रो मैक्स लिया भाई। 14 प्रो मैक्स लिया। चलो चलते हैं और देखते हैं भाई पार्टी करवा पाते हैं नहीं करवा पाते हैं, और बाकी सारी गाड़ियां हमें फॉलो कर रही हैं। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बिल्कुल मुबारक, तुस आए गले नहीं ते आई हां पुजिए इथे पुजिए है रवि पता सारे इथे होना फिर अरे आओ ना सनी भाई साथ में आओ। बोलो किसको मुझसे काफी लोग बोलना चाहते, लेकिन मैं किसी और को बोलना चाहती हूँ। किसको किसको? हाँ बताओ। ये ला 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 ला। ये लड़की बड़ी तेज निकली, अपने गाने का DOP का खर्चा बचा गई और DD का खर्चा बचा गई। वैसे दोनों अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। भाई हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है और हम बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे हैं। मिस्टर रणदीप के आप बर्थडे आज हमें बर्थडे पार्टी दे रहे हैं सभी भैया। बैठे सलाह बनाते यार। फिर ये दोनों जो है ना, ये मुझे कहते हैं कि मैं वो करता हूँ, खासकर ये कहते हैं कि भैया मैं गलत करता हूँ। देखना दोनों की जैकेटें देखना भाई, भाई है यार भाई है, हमने जैकेट देखना दोनों की। वन हमें हमें कल कमेंट मिला है बाजे वाले है। भाई क्या बोलता है यार? हाँ बाजे वाले बोलता है यार, बाजा बजाने वाले। ये कलर की चॉइस इसकी है, घटिया कलर की चॉइस। भाई कलर के बाहर बजाओ बाजे ये देखना। भाई एक चीज बताओ, आपको जो भी ये व्लॉग बाद में भी देखेंगे ना, कमेंट करके जरूर बताना ये कलर बाजू वाला जो अच्छा कलर बाजू वाला कलर कमेंट करना, ठीक है? और ये बताना क्या ये बाजे वाले दिख रहे हैं नहीं?
जो जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता कि जब भी मैं इस बेड को बैकग्राउंड यूज करता हूँ इट मीन्स के अब व्लॉग एंड होने वाला है. सो थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल एंड कीप लविंग एंड सपोर्टिंग. और वो गाना जरूर सुनना, हैप्पी न्यू ईयर सॉन्ग, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और फेसबुक भी आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट यंगिस्तान आज और यहाँ पर बहुत जल्दी से अपलोड करने वाला. तो जो लोग आए थे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद फॉर सपोर्टिंग. एंड जो लोग नहीं आ पाए किसी वजह से, बिजी होने की वजह से, तो आई अंडरस्टैंड कि बस चीज़ें ऐसे हो जाते हैं हम नहीं आ पाते. सो ये ऑल माई लव एंड ग्रीटिंग्स टू यू ऑल्सो. सो कीप लविंग माई व्लॉग्स एंड लाइकिंग व्लॉग्स. अपाउंट चलते हैं, ठीक है, बाय बाय, और मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग में. ठीक है.